इंग्लैंड क्रिकेट टीम क्रिकेट खेल की अग्रणी है और वनडे के अनुसार सर्वश्रेष्ठ टीम है। इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिससे बड़ी बड़ी टीमें डरती हैं। उपरोक्त सभी तथ्यों को सभी जानते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोगों को पता है कि विश्व कप 2019 के लिए इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले में लगभग आधे लोगों का इंग्लैंड में जन्म नहीं हुआ था, लेकिन विभिन्न देशों से इंग्लैंड आए और इंग्लैंड पर बस गए और इंग्लैंड के तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने लगे। योन मॉर्गन। इंग्लैंड के योन मॉर्गन कप्तान, पूरा नाम योन जोसेफ गेरार्ड मॉर्गन, का जन्म 10 सितंबर 1986 को आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। योन इंग्लैंड में आने से पहले आयरलैंड के लिए 19 विश्व कप में खेल चुके हैं। जेसन रॉय। इंग्लैंड के आक्रामक सलामी बल्लेबाज, पूरा नाम जेसन जोनाथन रॉय, का जन्म दक्षिण अफ्रीका में डरबन नेटाल प्रांत में 21 जुलाई 1990 को हुआ था। वह 10 वर्ष के थे जब वह अपने परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए, जहां क्रिकेट के लिए उनका जुनून बढ़ता गया। बेन स्टोक्स, पूरा नाम बेंजामिन एंड्रू स्टोक्स, इंग्लिश ऑलराउंडर और इंग्लैंड टेस्ट टीम के उपकप्तान, का जन्म 4 जून 1991 को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड में हुआ था। वह बाद में 12 साल की उम्र में इंग्लैंड चले गए, जहाँ उन्होंने क्रिकेट सीखा। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है। पूरा नाम जोफ्रा चोइक आर्चर है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1996 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुआ था। जोफ्रा की कहानी शुरुआत में जटिल थी, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के लिए खेलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह अपने 18वें जन्मदिन के बाद ही इंग्लैंड गए थे। हालांकि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। बाद में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उस नियम को बदल दिया, इसलिए उसे इंग्लैंड के लिए खेलने की अनुमति दी। टॉम कुरेन, पूरा नाम थॉमस केल्विन कर्रान, 12 मार्च 1945 को केप टाउन, पश्चिमी केप में दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ था। उनके पिता जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे और उन्होंने अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा जिम्बाब्वे में की और बाद में क्रिकेट के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां वह अपने दोनों भाइयों के साथ ही इंग्लैंड के लिए खेलने लगे।